सर्वेथाने सुपटिष्ठितं शारीरिक धातु महाबोधि बुद्ध रूपं सकलं सदा। भगवान शाक्यमुनि सम्यक संबुद्ध के चरणों में सत्सत नमन। संविधान निर्माता भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के चरणों में सत्सत नमन। यहाँ उपस्थित पूजनीय आदरणीय कुलपति महोदया प्रोफेसर निर्जा गुप्ता मैम, साथ ही यहाँ उपस्थित विश्वविद्यालय के कुल सचिव महोदय अल्केश चतुर्वेदी सर जी, पूजनीय शिक्षकगण एवं अन्य कर्मचारीगण, पद प्रदर्शक यहाँ उपस्थित, वंदनीय मेरे सहपाठीगण, आप सभी का बाबा साहब की 131वीं जयंती पर स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर एक विख्यात समाज सामाजिक कार्यकर्ता, अर्थशास्त्रीय, कानूनविद, राजनीतिक एवं समाज सुधारक थे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 में मध्य प्रदेश के महू में हुआ था। उन्होंने समाज में व्याप्त जाति भेदभाव जैसी सामाजिक बुराइयों के खिलाफ संघर्ष किया। उन्होंने भारत के संविधान को तैयार करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री थे। उनके पास 32 डिग्रियां एवं 9 भाषाओं के जानकार थे। उन्हें अंग्रेज चलती फिरती यूनिवर्सिटी भी कहते थे। बाबा साहब ने राष्ट्र के निर्माण में हर क्षेत्र में अपना योगदान दिया, चाहे वो सामाजिक होए, राजनीतिक होए, आर्थिक होए। नारी के भी उत्थान में बाबा साहब का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। बाबा साहब कहते थे कि मैं किसी समुदाय की प्रगति उस समुदाय या परिवार में हुई महिलाओं की प्रगति से मापता हूँ। यानी कि उनका कहना था कि यदि किसी देश या समाज या राष्ट्र की प्रगति होना है तो महिलाओं का शिक्षित होना बहुत ही आवश्यक है। अब मैं, क्योंकि जो हमारे गुरु रहते हैं और बड़े रहते हैं, उनको हम आज्ञा तो नहीं दे सकते हैं, बट हम उनसे सहायतापूर्वक निवेदन कर सकते हैं। इस कार्यक्रम के अध्यक्ष सर्वप्रथम हमारे विश्वविद्यालय की मुखिया आदरणीय पूजनीय बीसी मैडम से निवेदन सहृदयपूर्वक निवेदन करता हूँ कि बुआएँ वो बाबा साहब के चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलित करें। साथ ही रजिस्ट्रार सर से भी निवेदन है, अन्य शिक्षकगण से भी निवेदन है। आप सभी आइए, आप सभी से भी निवेदन। थैंक यू सर, थैंक यू मैम। अब मैं
अब मैं बीसी मैडम एवं रजिस्ट्रार सर से निवेदन करता हूं कि मंच पर आकर अपना स्थान ग्रहण करें। बाबा साहब कहते थे, जिस तरह मनुष्य नश्वर है ठीक उसी तरह विचार भी नश्वर है। जिस तरह पौधे को पानी की जरूरत पड़ती है उसी तरह एक विचार को प्रचार प्रसार की जरूरत होती है, वरना दोनों मुरझाकर मर जाते हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का महिलाओं के विकास में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। समाज में नर और नारी की समान रूप से सहभागिता होने को अनिवार्य मानते हुए डॉक्टर अंबेडकर ने कहा है कि महिलाओं की उन्नति के बिना समाज एवं राष्ट्र की उन्नति असंभव है। परिवार निर्माण एवं समाज निर्माण में नारी की अहम भूमिका को स्वीकार करते हुए उन्होंने कहा था, नारी शिक्षा पुरुष शिक्षा से भी अधिक आवश्यक है। वह राष्ट्र के भावी निर्माताओं का निर्माण करने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अब मैं बुद्ध वंदना के लिए मेरे श्रद्धेय गुरुवर पूजनीय डॉक्टर रमेश रोहित सर को आमंत्रित करता हूँ। सर, सुपरिपन्नो भगवतो सावक संघो
थैंक यू सर। जब कभी भी सर वंदना या गाथा बोलते हैं तो सर की आवाज इतनी सुरीली है कि हृदय से स्पर्श होकर जाती है। सर धन्यवाद आपको। बाबा साहब हमेशा कहते थे, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। मैं उस धर्म को पसंद करता हूँ जो स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे की भावना सिखाता है। मैंने ही इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने सीनियर अविनाश बर्मन जी से निवेदन करता हूँ कि वे कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, संचालित करें। धन्यवाद कमलेश। आदरणीय पंच, सर्वप्रथम आप सभी को तथागत बोधिसत्व बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की 131वीं जन्म दिवस पर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं अविनाश वर्मन आप सभी का स्वागत करता हूं। और बाबा साहब के ऊपर वैसे मेरे मित्र कमलेश बहुत कुछ बोल चुके हैं तो मैं इतना कुछ नहीं बोलूँगा, कार्यक्रम को ही आगे बढ़ाऊँगा। बट बाबा साहब ने कहते कि संविधान का जो रचयिता थे बाबा साहब थे या उस ड्राफ्टिंग कमेटी के बाबा साहब हेड थे, तो संविधान जो है वो स्टार्ट होता है प्रस्तावना से और प्रस्तावना स्टार्ट होती है वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। यही एक लाइन काफ़ी है हमें डिफाइन करने के लिए, बिकॉज दिस इज़ द आइडेंटिटी ऑफ अस। यह हमारी आइडेंटिटी है कि हम भारत, वो जो भारत है हम उसके लोग हैं और वो हमारी आइडेंटिटी है। संविधान केवल वकीलों का एक दस्तावेज मात्र नहीं है, बाबा साहब कहते हैं कि यह केवल वकील हैं या उनका एक दस्तावेज मात्र हो, नहीं, यह हमारे जीवन का आधार है और इसलिए हम सबसे पवित्र ग्रंथ के रूप में संविधान को रखते हैं हमारे भारत में। इसी कार्यक्रम की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मैं स्वागत वक्तव्य के लिए बौद्ध दर्शन विभाग के विभाग अध्यक्ष हमारे डॉक्टर संतोष प्रियदर्शी सर से अनुरोध करता हूँ कि सर आप आए प्लीज। सर्वप्रथम सभी को नमस्कार और बाबा साहब भीमराव रामजी अंबेडकर के 131वीं जन्म दिवस की आप सभी को शुभकामनाएं। एक ऐसे देवदीप्यमान पुरुष जिनका पूरा जीवन ही एक इंसाइक्लोपीडिया है और उसका अध्ययन करना एक बहुत बड़ा अपने आप में एक ध्रुव कार्य है। एक ऐसे व्यक्तित्व, एक महान भारतीय राजनीतिक, इतिहासकार, कानूनविद, दार्शनिक, मानव विज्ञानी, अर्थशास्त्री, व्याख्याता, संपादक, पुनरुत्थानवादी, ऐसे पुरुष को आज के इस पवित्र पावन मेला में हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करने के। उनका योगदान सिर्फ एक वर्ग के लिए नहीं, सिर्फ एक समाज के लिए नहीं, वह एक सर्वहारा सभी के लिए एक स्वीकार्य पुरुष है और वो एक ऐसे महामानव हैं जिनको आप याद कीजिए उस समय के भारत वर्ष को जिसमें उन्होंने अपने आप को सबसे सर्वोच्च शिक्षा से अपने आप को विभूषित किया। यह एक साधारण कार्य नहीं था। इसी कार्य को आगे बढ़ाते हुए आज मैं डॉक्टर संतोष प्रियदर्शी सहायक प्राध्यापक अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध अध्ययन स्कूल यहाँ उपस्थित सभी का हृदय से स्वागत करता हूँ। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता हमारे विश्वविद्यालय की मातृशक्ति आदरणीय कुलपति महोदया डॉक्टर मिर्जा अरुण गुप्ता मैम तथा विश्वविद्यालय के सम्माननीय एवं लोकप्रिय कुल सचिव महोदय प्रोफेसर राकेश चतुर्वेदी सर, विश्वविद्यालय के सह प्राध्यापक हमारे बड़े भाई अग्रज डॉक्टर नवीन कुमार मेहता जी, हमारे परीक्षा नियंत्रक महोदय तथा समस्त सहायक प्राध्यापक, शिक्षक, कर्मचारी, अधिकारी, विद्यार्थी, आप सभी का मैं इस 131वीं बाबा साहब के जयंती पे
इस सभागार में उपस्थित करने होने के लिए आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद सर। बाबा साहब कहते थे कि शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, लेकिन ये बातें 70 साल पहले तक ठीक थी। अब उससे ऊपर उठने का समय आ गया है। शिक्षित बनो के साथ साथ हमें लोगों को शिक्षित करने का भी प्रण लेना पड़ेगा कि हमें लोगों को शिक्षित करो, संगठित करो और संघर्ष तो हमें करना ही करना है, क्योंकि उन तीनों शब्दों को मिला के एक्सटेंड करना पड़ेगा कि शिक्षित बनने के साथ साथ लोगों को शिक्षित करना पड़ेगा। ये अब समय की मांग हो गई है। और इसी कड़ी में विश्वविद्यालय के योग विभाग के PhD शोधार्थी दिगलाशी से अनुरोध करता हूँ कि दिगलाशी आए और अपना उद्बोधन दें, प्लीज। Certain acts which were passed by Baba Saheb Ambedkar as few days back on 8th March, International Women's Day, was there. So, first of all, what amendments or acts were passed? First act was Mines Maternity Benefit Act. In this act, the ladies which were working in mines, and when they were pregnant, certain time period was given to them, okay, after childbirth and before childbirth, okay, during the pregnancy. The act was passed in 1941. Hindu Code Bill, set of 5 to 6 amendments and laws were passed. Hindu Marriage Bill was also passed in that also, Hindu Code Bill. Women's Labour Welfare Fund was also passed. Women's Right to Divorce. Before the creation of Constitution, women were not given the constitution authority to give divorce. Okay, so Baba Saheb even had took care of that. Women and Child Labor Protection Act, the right to inheritance. Ladies were termed as a thing. Okay, they were not termed as a human. Few years before, 75 years before, they were just टर्म एज अ चीज, एक चीज थी वो, उसे इंसानियत या इंसान नहीं किया जाता था, दिया जाता था, इंसानियत दी नहीं जाती थी। सो इन कॉन्स्टिट्यूशन देर आर सर्टेन अमेंडमेंट्स वेर बाबा साहेब हैज टोल्ड अबाउट इनहेरिटेंस, लेडीज नाउ कैन गेट इनहेरिटेंस ऑफ देयर हजबेंड, ऑफ देयर फादर, ओके, मैटरनिटी बेनिफिट फॉर वुमन लेबर, लीगल रिकॉग्निशन ऑफ इंटरकास्ट मैरिज, restoration of ban on employment of women on underground work in coal mines. And as I am a student of yoga, and when we the name comes in our mind, Baba Saheb Ambedkar, then certain keywords also strike: discrimination, okay, annihilation. So what I learned by practicing yoga, I have been practicing yoga since year 2004, consciously been practicing yoga from year 2004. When we talk about Patanjali ji's Ashtang Yoga, okay, Yam, Niyam, Asana, Pranayama, Pratyahara, Dharana, Dhyana, Samadhi, so I will not go in other 7 steps, but I will
फाइव पॉइंट्स इन इट, अहिंसा सत्य अस्ते ब्रह्मचर्य परिवर्तन. When I started, when I learned, when I read, when I understood about ahimsa, man vachan karma se kisi ki hinsa na karna. Okay. And same way, practicing ahimsa, satya, jo jaisa hai usko waisa pesh karna, satya, ahimsa, aparigraha, non-stealing, stealing of work, stealing of physical things, okay. And so on, shaut, shantushta, swadhyayi, suparina. So by practicing, by learning, by understanding this all, and by consciously practicing this all, it created a sense, it created a state of mind that in real, we are humans and we should see a human as a human, not by his caste, not by his economical background, not by his disease. Many people have some confusion about some disease. If somebody is having any problem like hepatitis B or AIDS, caste, okay, jamaat, anything, just see a human as a human, not by his problems, not by his caste. Thank you. Hare. Thank you, Jigulas ji. बाबा साहब जब अपने आखिरी समय में थे मृत्यु से कुछ समय पूर्व, तो उन्होंने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया था, क्योंकि सामाजिक बुराइयों से काफ़ी ज़्यादा त्रस्त होने के बाद उन्हें लगा कि अब मुझे एम्बेरेस्ड टू वर्ड्स द बुद्ध धर्म. उनके पास ऑप्शन काफ़ी थे, मुस्लिम धर्म के धर्मगुरु भी उनके पास आए थे, सिख धर्म के भी आए थे, क्रिश्चियन के भी आए थे, बट उन्होंने सभी को दरकिनार किया. ऐसा नहीं था कि केवल आए और आपने मना कर दिया, नहीं, उन्होंने सबको पढ़ रखा था अच्छे से, और पढ़ने के बाद उन्होंने भारतीय सभ्यता की जो जड़ें थी उनको ही उन्होंने चुनना पसंद किया कि बुद्धिज्म ऑल्सो द पार्ट ऑफ अ इंडियन, कि ये हमारे भारतीयता की ही हिस्सा है. तो तथागत बुद्ध का धम्मपद में गाथा है कि ना ही वेरेण वेराणी समन्ति कुदाचनम अवेरेण च समन्ति एष धम्मो सनातन, एष धम्मो सनातन, यही सनातन धर्म है कि ना वैर को वैर से समाप्त नहीं किया सकता है, वैर को हमेशा अवैर से समाप्त किया सकता है. और जब बाबा साहब ने देखा कि अगर हम सिख कम्युनिटी में जाएं तो वो मार्शल कॉम हैं, उन्होंने काफ़ी देश की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी और भी युद्ध काफ़ी लड़े, तो वो मार्शल कॉम थी. और मुस्लिमों में गए बाबा साहब, जब उनके धर्मगुरु आए तो उन्होंने कहा कि मुगल का हिस्ट्री हम देख चुके हैं, दे ऑल्सो फाइटिंग, वो भी लड़ते रहते हैं. हमें ऐसा धर्म चाहिए जो बैर को बैर से नहीं अवैर से शांत करे, शांति से शांत करे. और उस समय भगवान बुद्ध के धर्म को उन्होंने बाबा साहब ने चुना. इसीलिए वो कहते हैं कि मैं ऐसे धर्म को मानता हूँ जो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के भाईचारे से ओतप्रोत हो, कि जो हमें स्वतंत्रता की भावना दे, लोगों में समानता की बात करे और हम आपस में भाईचारे की भावना रखें. साथ ही साथ वो शांति की बात करते थे, क्योंकि जब बाबा साहब नागपुर में अपना भाषण दे रहे थे तो वो स्टेज से कहते हैं कि इतनी भीड़ में से कोई भी मेरे ऊपर, मेरे चरित्र के ऊपर उंगली नहीं उठा सकता, क्योंकि मैंने अपने चरित्र को सील बांध रखा है. सील वही जो बाबा साहब फॉलो करते थे, वही जो सनातन धर्म में मेंशन है, वही बुद्ध के समय थे, वही सारे सील जिनका बाबा साहब ने भी जिक्र किया है. तो इसी कड़ी में मैं अगले वक्तव्य के रूप में हमारे बौद्ध दर्शन विभाग, बौद्ध विभाग से डॉक्टर रमेश रोहित सर से अनुरोध करता हूँ कि सर आप आएँ और अपना उद्बोधन दें, प्लीज सर. मत भेद तो होते हैं, इसके साथ साथ मन भेद भी हो रहा है.
बाबा साहब का जो विचार है, उन्होंने कहा मतभेद तो होना ही नहीं इंसान, क्योंकि यदि मतभेद नहीं होगा तो विचार नया नहीं होगा, सुधार नहीं होगा, किंतु मतभेद नहीं होना चाहिए। यदि मतभेद होगा तो समाज बिगड़ जाए, राष्ट्र की उन्नति नहीं होगी। इसीलिए हमें जो सामाजिक समरसता है भारतीय परंपरा की, जो हमारा आज थीम विषय है, और राष्ट्रीय योगदान सभी ने कह दिया, राष्ट्र ने बहुत सारे योगदान दिया, तो मैं सामाजिक समरसता की बात कर दूंगा। जो भारतीय परंपरा में जो सामाजिक समरसता है उसको कैसे लाए, तो जब हम जो भी महापुरुष हुए, सभी महापुरुष की हम जयंती मनाते, सभी ने अच्छा कार्य किया, किंतु उनका हम अनुसरण नहीं करते, उन्होंने जैसा जीवन जिया उस जीवन को हमें जीना चाहिए अगर हम प्रयास नहीं करते, तो प्रयत्नशील रहना हमें जरूरी है। तो ऐसे अवसर को जयंती जो आदि संकल्प लेना चाहिए हम सभी को कि भाई हमारे जो महापुरुषों ने योगदान दिया राष्ट्र के लिए, समाज के लिए, हम क्या दे सकते हैं, हमारी भी कुछ भूमिका होना चाहिए। जो हमारा जन्म हुआ है, इस जन्म का कुछ तो हमें ऋण देना होगा हमारे देश के लिए, समाज के लिए, पर ऐसा नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर मन भेद चल रहा है, इसलिए हमें अनुकरण करना जरूरी है। बात बताना चाहूं बाबा साहब के साथ, 1900 जो अंग्रेज जब थे भारत में, उस समय देश आजाद नहीं हुआ था, तो उसे मतदान की बात आई थी, तो जो हमारे विचारक थे उन्होंने कहा कि मतदान कुछ जो समझदार हैं या पढ़े लिखे लोग हैं या जिनके पास आर्थिक संपत्ति है उन्हें ही मतदान देना चाहिए, और जो अशिक्षित हैं उन्हें नहीं होना चाहिए। इस प्रकार से विचार मंथन हुआ और उन्होंने संघर्ष किया, उस समय तो नहीं मिला, मगर जब देश आजाद हुआ तब यह बात लागू हुई। एक घटना बताना चाहूंगा मैं, सामाजिक समरसता कैसे होना चाहिए। जब संविधान सभा से बाबा साहब आ रहे थे, शाम को घर पहुंचे तो उनके सचिव थे नाना चंद्र, अब मन ही मन सोच रहे थे, मतलब इस्माइल आ गए दूसरे बाबा साहब, तो उन्होंने पूछा कि बाबा साहब आप आज कुछ देख रहे हैं, क्या बात है? तो उन्होंने कहा रत्तू मैं महल में रहने वालों को रोड पे ला दिया और जो रोड पर रहे थे उनको महल में पहुंचा दिया। तो रत्तू समझ नहीं पाए क्या बात है, तो बोले जो मतदान की जो अधिकार है वो संविधान से बहुत बहस हुआ, किंतु ये मान्य होगा कि भाई सर्व जितने भी भारतीय लोग हैं या जिन जो भारतीय ने नागरिकता प्राप्त कर ली है उन्हें मतदान देने का अधिकार है, चाहे स्त्री पुरुष, स्त्री हो पुरुष हो, चाहे किसी वर्ग का व्यक्ति हो या कुछ धन संपत्ति हो या ना हो, तो यह इसलिए ताकि जो महलों में रहने वाला व्यक्ति है जब प्रचार प्रसार होगा तो वो भाई गांव में आएगा, लोगों के पास आएगा, गाँव की समस्या देखेगा, और जो रोड पर रह रहा है या जो नीचे रह रहा है वो भी अगर लड़ता है चुनाव जीतता है तो वो भी महल में पहुंच जाएगा। इसलिए जो समानता है जो भारतीय समाज में कैसे समानता है, इस वजह से ये सामाजिक समरसता अब निर्माण हो सकती है। ये बहुत बड़ा अच्छा उदाहरण का संवाद मिलता है। अब दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि भारत में उन्होंने जैसे भी लोगों ने कहा शिक्षा की बहुत जरूरी बात कही उन्होंने, कि शिक्षित तो होने ही चाहिए, क्योंकि 1927 के आसपास की बात है, भारत में शिक्षा का जो अपना ग्राफ था, तीन में से सिर्फ एक ही बंदा या एक ही जो व्यक्ति है पढ़ता था, तो उन्होंने कहा इस ग्राफ को हमें बढ़ाना है, सभी को शिक्षित होना जरूरी है, और उन्होंने फिर एक भारतीय समाज शिक्षा एक समिति का भी निर्माण किया 1929 में, किया छह महीने 50 शिक्षा समिति ने काम किया कि सभी को ही शिक्षा मिलनी चाहिए, और उसके साथ साथ उन्होंने आप लोग औरंगाबाद गए होंगे, वहाँ मिलिंद विश्वविद्यालय का नाम महाविद्यालय है उसकी स्थापना की, और जो भारत के जो उस समय राष्ट्रपति थे प्रथम उन्होंने उसकी नींव रखी। तो शिक्षा के लिए उन्होंने कितना काम किया, सभी जगह काम किया, शिक्षा जरूरी है, शिक्षा वैसे का दुख है
जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो इस प्रकार से उन्होंने अपनी बात कंटिन्यू करते रहे वो। अब एक घटना और बताऊंगा मैं यहाँ पे, जो ग्राम स्वराज की बात थी उसमें परिवर्तन होना चाहिए, इस पर उन्होंने अपने विचार रखा। और साथ साथ जो देशभक्ति जो मातृवंदना की बात आई थी वो मैं अभी स्टोरी बताने जाऊंगा। एक और अच्छी बात है कि कैसे हमेशा ऐसा कहा जाता है कि गांधी जी और अम्बेडकर में हमेशा ही द्वंद्व चला है, मतभेद चला है और ये जग जहा है। तो एक समय की बात है, जो ये 27/7/1942 की बात है, जब भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हो रहा था। और उसी समय कांग्रेस कमेटी ने एक घोषणा पत्र तैयार किया कि भाई अंग्रेजों को भारत छोड़ना होगा। और 9 अगस्त 1942 के दिन असहयोग आंदोलन शुरू हुआ। जब असहयोग आंदोलन शुरू, उसी समय डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, उस समय अंग्रेजों की सरकार थी हमारे देश में, तो वहां पर एग्जीक्यूटिव काउंसलर थे वहां। अब भारत में, भारत के उसमें 14 लोग थे, जिसमें से 2 हिंदू लोग थे और कुछ मुस्लिम लोग थे, सिख लोग थे और क्रिश्चियन भी थे और एंग्लो इंडियन भी थे, ऐसे 14 लोग थे टोटल। अब जब भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ तो उसमें चर्चिल वहां लंदन में बैठे हुए, दोनों आदेश निकाला कि गांधी जी, सरदार पटेल, नेहरू को अंडमान निकोबार दिया जाने दो। अब हुआ यूं, जो 14 सदस्य थे 13 सदस्यों ने कुछ नहीं कहा और सदस्यों के साथ बात आई, भाई इन लोगों को गिरफ्तार करवाइए और एक आदेश पास करवाइए काउंसिल में। बाबा साहब ने इसका विरोध किया, नहीं मैं चर्चिल की बात का विरोध करता हूं। पर उन्होंने जबरदस्त बात कही, मैं यहां कोटेशन लिख के आया हूं। चर्चिल का आदेश का वह घोर विरोध करते हैं, गांधी जी, सरदार पटेल, नेहरू जी देशद्रोही नहीं है बल्कि भारत माँ के सुपुत्र हैं और अपनी माँ की स्वतंत्रता के लिए लड़ना सुपुत्रों का जन्मसिद्ध अधिकार है, ये वहां बात करते हैं। और उन्होंने सुझाव दिया सभी लोगों को कि नहीं, यदि आपको चर्चिल जी बेबे तो वहां भारत में थे उस समय, उन्होंने कहा नहीं नहीं मानते, कभी बाबा साहब विरोध किया, उन्होंने बातचीत की कि नहीं यदि आपको गिरफ्तारी करना है तो भारत में ही रहेंगे, वो अंडमान निकोबार नहीं जाएंगे। इसलिए गांधी जी को अहमदनगर जिले में रखा गया और आगा खान के पैलेस में रखा गया दोनों को। तो इस प्रकार से अब यहाँ दे दीजिए, मैं बनाने का उद्देश्य है मेरा कि बाबा साहब और गांधी जी हमेशा ही डिबेट चला, किंतु यहाँ देखिए मनभेद और मतभेद की बात यहाँ सामने प्रतीक होती कि मनभेद कभी नहीं किया उन्होंने, क्योंकि ये देश के लिए लड़ रहे हैं। तो जहां राष्ट्र समाज की बात आती है तो मतभेद तो होना चाहिए और मनभेद ना हो, ताकि हमारे समाज को और राष्ट्र को हानि ना हो। तो इस प्रकार से उन्होंने बहुत सारे कार्य राष्ट्र ने बहुत सारे योगदान दिया। तो हमारे जो इसी में हमारे ऐसा सारे बड़े विद्वान हैं, हम तो साल में ज्ञानी हैं, तो मैं ज्यादा समय नहीं उनको ही समय दूंगा मैं। और आप लोगों ने मेरी बात को सुना तो आप लोगों का साधुवाद देता हूँ और धन्यवाद। धन्यवाद सर, आपने काफ़ी अच्छे इंसिडेंट को रखा यहाँ पर हम सभी के बीच में। और इतिहास से बात की हुई है तो बाबा साहब लिखते हैं कि जो कौम अपना इतिहास नहीं जानती हैं वह कभी इतिहास नहीं बना सकती हैं। इसीलिए मैं हमारे बीच हमारे आदरणीय कुल सचिव महोदय, जो इतिहास के बहुत बड़े ज्ञाता भी हैं, तो मैं आदरणीय कुल सचिव महोदय से निवेदन करता हूं कि सर आप आइए प्लीज़ और अपना वक्तव्य से हमें लाभान्वित कीजिए। आदरणीय कुल सचिव महोदय। बहुत बहुत धन्यवाद, आवाज़ आ रही है सभी से। आज के इस कार्यक्रम में हमारे समक्ष हमारे विश्वविद्यालय के कुलगुरु प्रोफेसर नीरजा गुप्ता मैडम भी उपस्थित हैं, आपका बहुत आभार कि आपने समय दिया। हमारे समक्ष उपस्थित प्राध्यापक अधिकारी एवं कर्मचारी बंधु, आप सभी को बाबा साहेब अम्बेडकर जयंती की शुभकामनाओं के साथ साथ शायद आज महावीर जयंती भी है, महावीर जयंती
की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और पहले याद नहीं आया तो गौतम बुद्ध के जो मंत्र था तो हम लोग रंगों का मंत्र भी आज हम लोग को करना चाहिए था। और ये बड़ा सौभाग्य का विषय है कि हम इस अवसर पर समरसता का कार्यक्रम हमने आयोजित किया है, क्योंकि भारतीय संस्कृति वर्षों से समरस रही है और विश्व की ऐसी कोई सी भी संस्कृति नहीं है जो भारतीय संस्कृति जितनी समरस रही हो। कहीं भी उठा के देखो तो कहीं प्रोटेस्टेंट हैं तो एंग्लिकन हैं तो लूथरन हैं, कैथलिक्स हैं और गजब का संघर्ष है आपस में। अगर और देखेंगे तो सिया सुन्नी अहमदिया तो ऐसे बहुत सारे उनमें भी एकदम खूनी संघर्ष है। लेकिन भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसके सबसे ज़्यादा आरोप करते हैं कि यहाँ पर असमता है, जाति प्रथा है, छुआछूत है, लेकिन कभी हमको यहाँ पर खूनी संघर्ष देखने को नहीं मिलता। पूरे विश्व में मार्क्स की बात होती है तो सब जगह हमको क्रांति देखने को मिलती है, फ्रांसी क्रांति हो, रूस की क्रांति हो, सारे देशों में इटली की क्रांति हो, इंग्लैंड की क्रांति हो, अमेरिकन क्रांति हो, लेकिन भारत की क्रांति कभी सुनने में मिली क्या? क्योंकि भारत में ऐसा समाज है कि जो एक दूसरे को समरस होकर चलता है, एक दूसरे की बात रखता है, तो कभी यहाँ पर क्रांति भी संभव नहीं हो सकती है। मार्क्स ने बहुत प्रयास किया वर्ग संघर्ष की बात की, हमारे यहाँ वामपंथियों ने बहुत ज़्यादा प्रयास किया लाल सलाम करके कि यहाँ पर भी संघर्ष हो। बहुत छोटी छोटी चीज़ों में संघर्ष देखने की कोशिश की, वर्ग विभेद देखने की कोशिश की, लेकिन कभी यहाँ पर आज भी वामपंथी डूब गए लेकिन समाज वैसे का वैसा और स्ट्रॉन्ग होकर उभर के सामने आया है। जो कुछ गढ़ थे वो भी लगभग समापन की ओर है जो वामपंथियों के हैं। भारत का जो प्राचीन समाज है, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी को संदर्भ लेते हुए हम बात करेंगे कि जैसा सबसे ज़्यादा जो एक प्रचलित ग्रंथ है हमारे यहाँ रामायण है, रामचरितमानस, जिसको हम लोग तुलसीदास जी ने उसको आगे लिखा, रामायण उसके रचयिता वाल्मीकि है, महाभारत और महाभारत के अंदर जो गीता जो सबसे प्रसिद्ध है उसके रचयिता वेद व्यास है, दोनों उसी समाज से आते हैं जिस समाज को हम लोग आज कल तथा कथित दलित या वंचित वर्ग कहते हैं। उन्होंने ऐसे ग्रंथों की रचना की और वो ग्रंथ समरसता से भरे पड़े हैं। एक वाल्मीकि रामायण का उदाहरण देखेंगे तो भगवान राम एक साधारण पुरुष है जिन्होंने निश्चरहीन करो इस धरती को ऐसी चौपाई के साथ या उसके साथ निश्चर निशाचर को हीन करने के लिए इस समाज को अपने आप को भगवान या भगवान के स्वरूप में लेके आए और हम सभी ने उनको भगवत पुरुष माना। रामायण को उदाहरण देखेंगे तो भगवान राम क्षत्रिय है, उनको शिक्षा देने वाले विश्वामित्र हो या उनके कुल गुरु हों वो भी क्षत्रिय हैं। फिर उन्होंने शबरी के जो भीलनी है उनके जूठे वेद जो आज भी कोई नहीं खाता है भगवान को, उन्होंने जूठे वेद खा के समाज को संदेश दिया, निषाद राज को गले लगाया। और राक्षस कौन है? जो ब्राह्मण है, अभी कोई ब्राह्मण नहीं यहाँ पर, और राक्षस कौन है? ब्राह्मण है। राक्षस मतलब हम लोगों की कल्पना है कि बहुत बड़ा शरीर होगा उसका बहुत सारा, ऐसा कुछ भी नहीं है। राक्षस का जो परिभाषा है वो रक्ष संस्कृति से संबंधित है, रक्ष जो बहुत ज़्यादा प्रिजर्व करता है, जिसके पास सोने की लंका हो, जैसे आज भी बहुत सारे राक्षस हैं हमारे बीच में, उनकी सोने की लंकाएँ हैं बहुत बड़ी बड़ी, कई कई गाड़ियाँ हैं, बहुत बड़े बड़े बंगले हैं उनके पास, तो ऐसे राक्षसों का संहार करने के लिए भगवान राम आए थे। और वो ब्राह्मण ठीक है, और ले देखिए सारी चीज़ें जो विश्व में बौद्धिक संघर्ष चल रहा है अभी, तो ये बड़ा रेयर है कि आर्मेनिया और कजाकिस्तान की बात करें या यूक्रेन और रूस की बात करें, तो ऐसे पारंपरिक युद्धों की समय जा चुका है, ये अब बड़े अपवाद स्वरूप में होते हैं। आजकल जो युद्ध होते हैं वो बौद्धिक युद्ध है, हमारा समाज हमारा राष्ट्र भी इसी बौद्धिक आतंकवाद या बौद्धिक संघर्ष के युग से गुजर रहा है। इसीलिए ऐसे जैसा आपने बताया कि जयंती का उद्देश्य क्या है, विमर्श खड़ा करना, सकारात्मक विमर्श को सामने लेके आना और उस विमर्श को सामान्य जनता तक पहुंचाना। अभी हमारी जो सज्जन शक्ति है,
सृजन शक्ति की निष्क्रियता के कारण सृजन शक्ति जो है, उन्होंने ऐसे बहुत सारे नैरेटिव्स हमारे बीच में खड़े कर दिए हैं जिसका परिणाम ये है कि हम सभी ऐसी चीज़ों में उलझे हुए हैं कि जैसे बाबा साहेब के भी, बाबा साहेब ने द रिडल्स ऑफ हिंदुइज्म या हिंदू का एक पुस्तक लिखी थी, वो पुस्तक को उन्होंने अपने जीवन में कभी प्रकाशित नहीं किया। सभी को आक्रोश आता है, हमको भी आक्रोश आता है, हमारे लोगों के बीच भी आक्रोश आता है। आक्रोश बस उनके कई ऐसे उद्बोधन हैं या ऐसे कई पुस्तक हैं या आलेख हैं जो उन्होंने लिखे लेकिन उसको प्रकाशित नहीं किया। उनकी मृत्यु के पश्चात उनके ड्रॉस से निकाल के रिडल्स ऑफ हिंदू प्रकाशित किया गया जिसको अभी लोग सब लोग आधार ग्रंथ मानते हैं, हालांकि डॉक्टर साहब ने भी ऐसे ग्रंथों को प्रकाशित नहीं किया। ऐसे जो हमने प्राचीन इतिहास में समरसता के उदाहरण देखे, ऐसे हजारों उदाहरण भरे पड़े हैं जिनका छोटे से समय में, चूँकि 10 मिनट का समय है और 5 मिनट या 10 मिनट और ज़्यादा रहने की भी अनुमति दी है, तो इतने समय में अपने लोग कुछ सांकेतिक चीज़ों को हम लोग यहाँ रख सकते हैं। डॉक्टर साहब का भी जीवन हम देखेंगे तो उनका जीवन भी पूरा समरसता से भरा पड़ा है, क्योंकि किसी भी व्यक्तित्व को अगर हम लोगों को समझना है तो किसी एक एंगल से देखना नहीं चाहिए, उसको समग्रता से अध्ययन अगर हम करेंगे तो वो सारा जीवन हमको देखने को मिलता है। डॉक्टर साहब का जीवन जब बचपन से, उनका सरनेम सतपाल था, यही हमारे मध्य प्रदेश महू का उनका जन्म स्थान था। जब वो मध्य प्रदेश में थे तो उनको ऐसा कोई जाति विभेद का सामना नहीं करना पड़ा। जब उनके पिताजी जो सूबेदार थे आर्मी में, उनका ट्रांसफर नासिक हो जाता है तो वहाँ जाके वहाँ चूँकि ये कुप्रथाएँ ज़्यादा थी तो इन कुप्रथाओं का सामना करना पड़ा, लेकिन इन्हीं कुप्रथाओं के साथ जब उनके एक ब्राह्मण गुरुजी मिलते हैं कृष्णा आम्बेडकर, उन्होंने देखा कि बहुत टैलेंटेड बच्चा है तो उन्होंने बोला कि आप अपना, अगर मान लो समस्या आती है तो आप आम्बेडकर सरनेम का उपयोग करो। और वो अपने साथ उनको भोजन कराते थे, भोजन लेके घर से आते थे तो भीमराव जी को भी अपने साथ भोजन कराते थे। फिर आगे और जब होता है तो जब वो बहुत द्वंद्व से गुजरते हैं कि भाई ऐसा विभेद है, ऐसा समाज में ये सारी चीज़ें हैं, तो एक और उनके दादा कालुस्कर जो ब्राह्मण थे, उन्होंने बुद्ध की जीवनी एक छोटी सी पुस्तक उनको दी कि इसको पढ़ो, इसमें बहुत सारी चीज़ों का हमको समस्याओं का समाधान मिलता है। तो उन्होंने उस पुस्तक को पढ़ा जो उनके जीवन का एक टर्निंग पॉइंट था, जो उनके गुरु थे वो भी ब्राह्मण थे। फिर जब वो उनकी पढ़ाई पूरी हो गई, उनको विदेश जाना था पढ़ने के लिए, तो उनको छात्रवृत्ति सयाजी राव गायकवाड़ ने दी, उससे उनकी छात्रवृत्ति से वो अमेरिका पढ़ने गए। वहाँ से लौट के आने के बाद उनको और पढ़ने की इच्छा थी तो कोल्हापुर के महाराज साहू जी ने उनको छात्रवृत्ति प्रदान की, जिसमें उन्होंने इंग्लैंड और जर्मनी में अर्थशास्त्र वगैरह की डिग्रियाँ ली, PhD की। और इसके बाद जब वो भारत में आए, यहाँ पर बहुत सारे आंदोलन हुए, उन्होंने कालूराम मंदिर का आंदोलन किया, महाड़ में तालाब का आंदोलन किया। वो जरूरी भी है करना ऐसा, क्योंकि जो हमारे राष्ट्र में संत परंपरा रही है, चाहे वो मध्यकाल हो चाहे वो प्राचीन काल हो, मध्यकाल में भी जब हम देखेंगे शंकराचार्य जी आते हैं तो शंकराचार्य जी के पहले पूरा समाज वज्रयान, हीनयान और महायान आपस में बटा हुआ था और बहुत झगड़े हो रहे थे और बहुत सारी कुप्रथाएं बौद्धिज्म में भी वज्रयान के द्वारा आ गई थी। तो उसको समाप्त करने के लिए शंकराचार्य धरती पर एक भगवान स्वरूप आए और उन्होंने अद्वैत मत का यहाँ पर प्रतिस्थापित किया। मध्यकाल में भी हम देखेंगे भक्ति परंपरा देखने को मिलती है, भक्त संत रैदास मिलते हैं, उनके गुरु रामानंद और उनकी शिष्या मीराबाई, राजस्थान में आज ही मीराबाई का मंदिर देखने को मिलता है, तो मीराबाई के मंदिर में मीराबाई नहीं है, रैदास जी है। तो ऐसे हजारों लाखों समरसता के उदाहरण हैं, बस हमको इनको पहचानने की आवश्यकता है। उसी प्रकार जब आधुनिक काल में हम इन सब समस्याओं से झेल रहे थे तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी संत के रूप में हमारे बीच में आए और उन्होंने इस सब परंपराओं को निर्मूल किया। तो उनका जो जीवन हम देख रहे हैं कि कैसे उन्होंने आंदोलन किए, और बहुत सारे आंदोलन हुए, स्वतंत्रता आंदोलन चाहे वो गोलमेज सम्मेलन हो या और भी बहुत सारे आंदोलन हों, उसमें भी महात्मा गांधी के बारे में भी बताया। तो महात्मा गांधी जब देश स्वतंत्र हो गया तो जब प्रथम मंत्रिमंडल का गठन होना था तो उसमें जवाहरलाल नेहरू के बारे में बहुत सारे मत हो सकता है, लेकिन वो
घोषित रूप से तो ब्राह्मण ही है और कश्मीरी ब्राह्मण थे, वो भी ब्राह्मण थे, वो अपनी मंत्रिमंडल की सूची महात्मा गांधी जो गैस से है आज क्योंकि सबका सर रहे हैं और जाति का उल्लेख इसलिए हो रहा है क्योंकि आज समरसता का पर्व है और जाति विशेष को लेके आज व्याख्यान भी प्रारंभ हुआ। तो महात्मा गांधी ने जब पंडित जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बोला कि आपकी सूची में तो भीमराव अम्बेडकर का नाम ही नहीं है, उनको भी शामिल करें। इसके पश्चात पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भीमराव अम्बेडकर को भी शामिल किया और उनको इस देश का प्रथम विधि मंत्री नियुक्त किया। वो नियुक्त करने वाले सारे सामान्य क्लास के लोग थे, सामान्य वर्ग के लोग थे और जो संविधान सभा है और तारुण समिति का जब उनको अध्यक्ष बनाया तो तारुण समिति का अध्यक्ष बनाने के लिए भी जितनी भी वोटिंग हुई इसमें 95% संविधान सभा के सदस्य सामान्य वर्ग से थे, सब जो जिनको हम आजकल सवर्ण कहते हैं। तो उनको जो ऐसे जो टैलेंटेड लोग हैं, जो पढ़ने वाले लोग हैं, चाहे वो किसी भी समाज के हो, प्राचीन भारत से हम देखेंगे कि वैदिक मंत्रों की जो ऋचाएँ हैं वो भी उसमें भी जो उस आज जिनको हम लोग दलित कहते हैं वो ऋषियों ने मंत्र दृष्टा रहे हैं, उन्होंने मंत्रों की रचना की है, बहुत सारे ग्रंथों की रचना की है। तो पूरा समाज समरस रहा है। जो कुरीतियाँ हमारे बीच में आई जब मध्यकाल में आक्रांताओं ने हमारे यहाँ आक्रमण किया तो समाज अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए अपने समाज में बहुत सारे नियम लगा देते हैं। उन नियमों के कारण चाहे वो बाल विवाह हो, ऋग्वेद में बाल विवाह नहीं है, पर्दा प्रथा हो ऋग्वेद में या वैदिक काल में पर्दा प्रथा नहीं है, जाति प्रथा हो तो वेदों में या किसी भी पुराणों में जाति प्रथा का उल्लेख नहीं है, वर्ण का उल्लेख है। फिर बाल कन्या भ्रूण हत्या हो, ऐसी बहुत से नर बलि हो, ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो मध्यकाल में समाज में आ गई तो हो सकता हो मध्यकाल में उनकी प्रासंगिकता कुछ रही हो, जौहर प्रथा सती प्रथा का बहुत सारा उदाहरण ले सकते हैं। लेकिन जब आधुनिक काल आया तो इनकी जब प्रासंगिकता समाप्त हो गई तो कुछ अंधविश्वासी या जिसको नकीरते फकीर लोग हैं उसको घसीटना चाहते हैं। अभी भी हमारे बीच में कई लोग हैं जो पुरानी परंपराओं की फॉलोअर होते हैं, परिवर्तनशील होते हैं, तो उस समय भी थे तो उनको सुधार करने के लिए समाज सुधारकों की आवश्यकता भी रहती है। तो भीमराव अम्बेडकर जी ने अपना बहुत अच्छा समय दिया, वो बहुत अच्छे एंथ्रोपोलॉजिस्ट भी थे और जो अंग्रेजों ने आर्य आक्रमण का सिद्धांत दिया उनको उन्होंने इतने मोटे ग्रंथ में बहुत अच्छे से प्रमाणित किया है कि आर्य आक्रमणकारी नहीं है, इस देश के मूल निवासी है। लेकिन दुर्भाग्य है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अपनी पुस्तक में आर्यों को मूल निवासी कहते हैं लेकिन अभी जो उनके नाम पर जो आंदोलन चलते हैं वो आदिवासी और मूल निवासी एक आंदोलन अलग चलाते हैं, जबकि भीमराव अम्बेडकर की पुस्तक में स्वयं आर्यों को अनाक्रमणकारी, वो इन्वेडर नहीं थे ऐसा प्रमाणों सहित बताया हुआ है। इसका इंडेक्स आर्य और अनार्यों का सेम होता है, जितनी भी थ्योरी है मंगोलाइड हो चाहे वो कॉकेशियन हो चाहे वो सीथो हो सीथो द्रविडियंस हो या आर्मेनाइड निग्रिटो, सारे लोगों का जो भारत में है क्योंकि भारत को अंग्रेजों ने क्रिटिसाइज करने के लिए इसको प्रजातियों का अजायब घर बताया कि प्रजातियों का अजायब घर है, हर्बर्ट रिजले का तो इसका बहुत बड़ा कथन भी है। तो इन सारे कथनों को चाहे वो बी एस गुहा का क्लासिफिकेशन हो इन सबको डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने बड़े बुद्धि इंटेलेक्चुअल स्टाइल में तथ्यों के साथ साक्ष्यों के साथ उसको निरस्त कर दिया और उसका कोई जवाब भी नहीं दे पाया। तो ऐसी पुस्तकों को और ऐसे नेरेटिव्स को हमको समाज के समक्ष ऐसी जयंतियों के उपलक्ष्य में खड़ा करना है, शोध पत्र लिखेंगे या विश्वविद्यालय के द्वारा हम लोग इस पर काम को आगे बढ़ाएंगे तो समाज का हित हो सकेगा, राष्ट्र का हित हो सकेगा और समाज एकरस हो सकेगा। अपनी बात को मैं यहीं पूर्ण करूंगा, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जैसा कि पहले से विदित था कि सर इतिहास के बहुत बड़े ज्ञाता हैं तो पूरे वक्तव्य में सर ने प्राचीन काल से लेकर वर्तमान समय तक समरसता के उदाहरण बिल्कुल इतिहास को जोड़ जोड़ के देते गए कि किस तरह इतिहास में वर्णन है समरसता का और आज वर्तमान में भी हम समरसता को किस तरह देखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। इसी कड़ी में मैं अध्यक्षीय उद्घोषण के लिए उद्बोधन के लिए कुलपति महोदया से अनुरोध करता हूँ कि मैम आप आएँ और अपने उद्बोधन से हमें लाभान्वित करें। सादर वंदन।
अनुस्तुल्य कुल सचिव प्रोफेसर अल्केश चतुर्वेदी जी, सभी शैक्षणिक विभागों से आए हमारे शैक्षणिक सहयोगीगण और अशैक्षणिक गैर शैक्षणिक विभागों से भी उपस्थित सभी हमारे सहयोगी, हमारे विश्वविद्यालय के परिवार के सभी जो यहाँ उपस्थित हैं, हमारे छात्र छात्राएं, हमारे रिसर्च स्कॉलर्स और बाहर से भी यदि आप लोग हैं तो आमंत्रित, आप सबको पुनः नमस्कार। जीवन और मृत्यु के बीच में एक पड़ाव आता है और वो पड़ाव है राष्ट्र, और राष्ट्र बहुत बड़ा पड़ाव है और उसके तीन प्रतीक होते हैं, धार्मिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक, और संयोगवश आज तीनों का प्रतीक है कि आज श्री महावीर जयंती है, आज पूरा पूर्वोत्तर नव वर्ष मना रहा है, भोगाली बिहू, उड़ीसा में नव वर्ष, मणिपुर में नव वर्ष, आप अगर वहां जाएं तो आज कण कण नाच उठता है, वो नया अनाज लेकर जो बिहू चलता है, भोगाली बिहू, नए अनाज का खाना, और एक हफ्ते तक कोई भी डिश रिपीट नहीं होती, इतना सुंदर सांस्कृतिक उत्सव देश में, कल ही रात से बैसाखी गई है, तो ये सांस्कृतिक एक पड़ाव है और धार्मिक पड़ाव और आखिर में राजनीतिक पड़ाव हमारे भारत रत्न बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी की 131वीं जन्म जयंती। इतना सुंदर अवसर, सर ने कहा हमारे यहाँ क्रांति नहीं होती क्योंकि हमारे यहाँ संक्रांति होती है, और जिस जगह संक्रांति होती है वहाँ समरसता आप चाहे या ना चाहे खुद ही आ जाती है। आज सूर्य संक्रांति भी है मेष की, सो हम तो उस मिट्टी के बने हैं जहाँ अंग्रेज कहते हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी, और हम कहते हैं तुम गलत कहते हो, हमारी तो डाइवर्सिटी इतनी यूनिफाइड है कि तुम उसे तोड़ ही नहीं सकते, हमारी अपनी डाइवर्सिटी में ही यूनिटी है, इसीलिए हम सबकी डाइवर्सिटी को मान देते हुए, अपनाते हुए, पहचान देते हुए एक साथ आगे बढ़ते हैं। हमारे मनभेद भी हमारे हैं, हमारे मतभेद भी हमारे हैं, और उनके सुलझाने के प्रयास भी, तरीके भी हमारे ही हैं, हम किसी पश्चिम थ्योरी का सहारा लेके अपने समाज की समस्याओं को नहीं सुलझाते, इसीलिए पश्चिम का पुलिस तंत्र और पश्चिम का न्याय तंत्र हमारे यहाँ आज भी विफल है, इसीलिए हमारे गांव-गांव में पंच परमेश्वर हैं, खाट हो या जो भी आपकी खाप सुविधाएं हैं, या घर में मुखिया है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली क्यों कहा जाता है इसको, संवैधानिक स्थिति दी हुई है HUF को, उसका एक मुखिया होता है और वो मुखिया हर तरह के मनभेद, मतभेद, हर तरह के भेद को अपने ही आंचल में, घर की चार दीवारी में सुलझाता हुआ आगे चलता है, और उसको इतना बड़ा जिसे कहें उसको पहचान मिली है कि हमारा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी एक परिवार से एक ही टैक्स लेता है, इतनी समरसता है हमारे यहाँ। फिर जब हम धर्मों की बात करते हैं तो एष धर्म सनातन, मूल में तो सनातन ही है, पर सनातन क्या है, क्या सनातन धर्म है या परंपरा है, सनातन प्रतीक है, निर्बाध है, निरंतर है, या उसके कहीं कहीं विघटन हुए हैं, तो जो भी चल रहा है वो एक सांस्कृतिक प्रवाह है, उसी में धर्म है, उसी में जाति है, उसी में परंपराएं हैं, उसी में युग है, और एकमात्र भारत की धरती ऐसी है जो कभी भी महापुरुषों से अच्युत नहीं रही, समय 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 पर आप हर काल में देख लीजिए किसी न किसी महापुरुष का एक ऐसा अवतार हुआ है जिसने न सिर्फ उसके धर्म, उसकी जाति, उसके समाज,
उसके गांव, उसके लोग नहीं, पूरे राष्ट्र को नव चेतना दी है। और ऐसे आज दो महापुरुष, बल्कि मैं कहूंगी तीन, क्योंकि महात्मा बुद्ध, महावीर स्वामी और फिर अनुयायी, इसलिए बाबा साहेब अम्बेडकर, ये ऐसी चेतना है। एक एक पर्टिकुलर पॉइंट आता है जब आप व्यक्ति नहीं विचार बन जाते हैं, और बाबा साहेब अम्बेडकर अब व्यक्ति नहीं रहे, वो एक विचार है और उस विचार की ही तरह हम उन्हें अपनाते हैं। और विचार हमेशा वही टिकता है, आजकल लॉजिक का जमाना है ना, जरा यंग बच्चों को समझाओ तो वो लॉजिक पूछते हैं, बहुत सारा लॉजिक चाहिए उनको, तो लॉजिक से ही बात करते हैं। तो उसने कहा सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, तो हम तो सबसे ज्यादा लॉन्गेस्ट सर्वाइवल सिविलाइजेशन है, इसका मतलब वी आर द फिटेस्ट। हमसे पुरानी तो जितनी थी सब जा चुकी है परंपराएं, एक कई बार लोग चीन कहते हैं तो चीन की क्या पुरातन चल रही है क्या, वो भी कब की विलुप्त हो गई है, विलीन हो गई है। तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की अगर आप बात करते हैं तो वी आर द फिटेस्ट, और हमारा टेस्ट क्या है, फिटेस्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि वो टेस्टेड है। और टेस्ट क्या है, टेस्ट है कि उसमें चरित्र है। अभी सर ने बात की राम की, रावण की, तो फिट कौन था, अगर दृष्टि से देखा जाए तो धनवान कौन था, रावण था, बलशाली कौन था, रावण था, बुद्धिमान कौन था, रावण था, सबसे बड़ा भक्त कौन था, रावण था। फिर क्यों रावण जलता है और वो वनवासी राम को जल जाते हैं, क्योंकि तुलसीदास भी जब लिखते हैं तो वो राम चरित्र मानस लिखते हैं, चरित्र, चरित्र किसका बड़ा है, वो बलशाली है। गाड़ी बंगला कोई दुर्गुण नहीं है, कोई अपनी मेधा से कमाए, कोई अच्छे कर्म करके कमाए, कोई पूर्वजों के कर्म के फल स्वरूप प्राप्त करे, तो कोई दोष नहीं है। लेकिन फिर हम जैसे लोग ये गुमान ना करें कि आज हम जहाँ बैठे हैं वो हमारी मेहनत है, हमने कुछ नहीं किया, हमसे बड़े पूर्वज इस देश, इस राष्ट्र, इस समाज को बनाने में जीवन खपा गए, और हम जैसे तुच्छ लोग खड़े होकर उन पर टीका टिप्पणी करते हैं जिन्होंने गिन के चार किताबें पढ़ी हुई। आज हमारी जिम्मेदारी है कि ये जो संघर्ष उन्होंने किया और उसका फल हमें मिला, आज हम संघर्ष करें और हमारी आगे आने वाली पीढ़ी इससे भी आगे उन्नति करे। उन बच्चों के लिए हमारा कर्तव्य है, उन्हें हम डिस्टॉर्टेड हिस्ट्री ना पढ़ें, क्योंकि सच अपने आप उजागर हो ही जाता है, कितनी भी कोशिश करेंगे डिस्टॉर्शन की, सच तो कहीं ना कहीं से निकल के आ जाएगा। एक चट्टान है, चट्टान को कोई नहीं दो भागों में तोड़ सकता, लेकिन एक छोटा सा बीज पेड़ बन के निकल जाता है और वो चट्टान को दो भाग कर देता है, वो कोमल पत्ती, वो नाजुक शाख, वो उसके बीज में से स्फुरित जीवन सच की तरह बाहर आ जाता है। और फिर जैसे आज ये साम्यवाद कहिए या मटेरियलिज्म कहिए, जैसे हम कहें बहुत ज्यादा सांसारिकता, हमें उन चिन्हों को समझना है जिन चिन्हों को प्रतीक रूप में बिठाया गया, हर घर को विघटित करने की साजिश की, किस नाम पे, कि नौकरी करो, घर के बाहर जाओ, पढ़ाई किस लिए करो, कि रोजगार करो। कितने लोग पढ़े लिखे घर का कामकाज छोड़ते बाहर नौकरी करना पसंद करेंगे, लेकिन जो किसान है वो खेती नहीं करेगा, जो व्यवसायी है वो बिजनेस नहीं संभालेगा, जिसके पीढ़ियों का एक आ रहा है वो अपनी गद्दी नहीं संभालेगा, लेकिन वो नौकरी करके स्वतंत्र रहेगा। हम उसके पीछे के षड्यंत्र को नहीं समझ पा रहे, ये टिपिकल कॉमर्शियलाइजेशन है। एक परिवार में से चार लोग नौकरी करेंगे, चार शहरों में रहेंगे, तो अगर एक साथ रहते तो एक घर में एक टीवी होता, एक फ्रिज होता, एक मोबाइल होता, अब एक ही परिवार में चार कार है, चार मोबाइल है, चार टीवी है, चार फ्रिज है। ये सिर्फ मटेरियलिस्टिक सोसाइटी जिससे बाजार बढ़ता है, और उन बाजारों की क्या स्थिति है आज पश्चिम देखे, गिर रहे हैं, पश्चिम के समाज गिर रहे हैं, पश्चिम में सबसे ज्यादा मानसिक बीमारियां आ रही हैं, पश्चिम सबसे ज्यादा बीमार संस्कृति वाला समाज बन रहा है। और हम आज भी किसी भी तरह टेस्ट कीजिए, हम आज भी स्वस्थ हैं।
हमारे अंदर जो घर्षण है वो घर्षण भारतीय समाज का घर्षण नहीं है, वो किसी और समाज के आए हुए एक अजीब सी हलचल का परिणाम है। आप कितनी भी हेट स्पीचेस देख लीजिए, आप कितने भी ऐसे भाषण देख लीजिए, कहीं ना कहीं उनका प्रादुर्भाव पश्चिम के या विदेश के किसी एक कोने में हुआ है जो धार्मिक उन्मादों से निकला है, और भारत धार्मिक उन्मादों का जवाब नहीं देता है। भारत अपनी संस्कृति से पोषित होता है और ऐसे कई उन्माद भारत ने हजम कर लिए हैं। यहाँ शक आए, मूण आए, यवन आए, पारसी आए, ज्यूज आए, सब हमारे हो गए, सबके सब यहाँ एक हो गए। क्यों? क्योंकि इसकी संस्कृति एक करने की। तो आज अगर हम बाबा साहब को याद करें, आज अगर हम महावीर स्वामी जी को याद करें, आज अगर हम महात्मा बुद्ध को याद करें, तो ये वो चेतनाएं हैं, वो अमरता है, वो प्रज्वलित दीप है जो हमें सिर्फ और सिर्फ अच्छाई की तरफ ले जाती है। उनके जीवन को एक टिप्पणी भी करने का अधिकार हमें नहीं है। वो मनुष्यत्व से बहुत आगे बढ़ गए हैं, वो देवत्व तक चले गए हैं। ये एक दुर्भाग्य है कि राजनीति या राजनैतिक लोग आज भी ये सोचते हैं कि उनका नाम लेकर हम देश को गुमा कर देंगे। देश तो घूमने वाला नहीं है, वो अपनी राजनैतिक सत्ता खोते जाएंगे, लेकिन समाज कभी भी निगेटिविटी से नहीं जुड़ता, समाज क्रिएटिविटी से जुड़ता है। सर्जन ही हमारी शक्ति है, और हम उसी शक्ति को लेकर आगे बढ़े। उसी क्रम में आपको पता है 4 साल बाद ईसी होने जा रही है, मंडे को हमारी एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, उससे कुछ नई चीज सर्जित होगी, कुछ नया सर्जन होगा। हमारी रिव्यू कमेटी भी बैठ रही है, जो हमारे ऑर्डिनेंसेस, रेगुलेशंस, स्टैट्यूट्स जो कुछ भी है उनका पुनर्निरीक्षण करेंगे, समीक्षा करेंगे। हम ही नहीं, बाहर का समाज भी आज हमारे विश्वविद्यालय को पुनर्सर्जित करने को जुड़ा है, और ये एक साथ इतने मस्तिष्क साथ में आए हैं ताकि किसी भी तरह हो इस विश्वविद्यालय का विकास हो। और हम इस प्रतिबद्धता के साथ कि आगे आने वाले कुछ वर्षों में ही हम ये बता देंगे कि हम एक अनूठे विश्वविद्यालय में काम करते हैं, इस समरसता के साथ, इस सहचेतना के साथ, सहभागिता के साथ। आज की पुनः बहुत शुभकामनाएं और उन महान आत्माओं को नमन जिन्होंने इस देश का सर्जन किया। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। शिक्षक, शिक्षक का कहा जाता है कि अगर एक समाज को डेवलप करने में जो सबसे बड़ा योगदान होता है एक शिक्षक का, और समाज से फिर देश बनता है, जितना अच्छा समाज होगा उतना अच्छा देश बनता है। तो शिक्षक को इसलिए सबसे ऊपर रखा गया है, और कहा भी जाता है गुरु गोविंद दो खड़े काके लाओ पाए बले हरे गुरु आपने गोविंद दिए होता है। तो गुरु को सबसे ऊपर रखा गया है, और मैं किसी भी समुदाय, बाबा साहब कहते हैं मैं किसी भी समुदाय की प्रगति उस समुदाय परिवार में हुई महिलाओं की प्रगति से मापता हूँ। लेकिन ये बात बहुत सही है, अब हम इसे थोड़ा सा और ऊपर बढ़ते हैं। मैं किसी भी देश की प्रगति उस समुदाय परिवार में या उस देश में हुई महिलाओं की प्रगति से मापते हैं। तो हम देख सकते हैं कि आज हमारे देश में एक साथ दो दो देश आज़ाद हुए थे, पाकिस्तान भी हुआ, इंडिया भी हुआ, लगभग सेम डेज पे एक एक दिन में। और आज हम अपने देश को देख सकते हैं कि हमारे देश के सबसे बड़े बड़े विश्वविद्यालयों में मातृशक्ति बैठी हुई है। तो ये दिखाता है कि हम कितने डेवलप हो चुके हैं। डेवलप देखना है तो ये इस चीज़ को दिखाता है कि हम कितने डेवलप हो चुके हैं, अगर प्रगति इसी चीज़ से देखी जाएगी तो। और इसी कड़ी में आभार वक्तव्य के लिए विभाग अध्यक्ष, बौद्ध दर्शन विभाग के विभाग अध्यक्ष डॉक्टर संतोष प्रियदर्शी से, सर से अनुरोध करता हूँ कि सर आप आए प्लीज। सर कुलपति महोदया ने जिस तरीके से उद्बोधन दिया,
हम लोगों को जिस तरीके से उनका ज्ञानार्जन हुआ, आज भी हम चमत्कृत हुए हैं। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद सर, क्योंकि बहुत कम समय में ये प्रोग्राम रखा गया और मैडम और सर का स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन था कि एक घंटे में समाप्त करना है, तो हम एक घंटे को तो पार कर चुके हैं। इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, पर ज़्यादा समय नहीं लूँगा। सही अर्थों में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक भारतीय थे, उन्होंने 21 धर्मों को पढ़ा, तदुपरांत उन्होंने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया। बौद्ध धर्म को उन्होंने सिर्फ आंख बंद के स्वीकार नहीं किया, उस पर भी उन्होंने प्रश्न किया, जैसे कि बुद्ध ने कहा था कि मेरे बात को, मेरे विचार को सिर्फ इसलिए मत स्वीकार करो कि ये मैंने कहा है, यह बुद्ध की वाणी है, उसका भी अनुरंजन करो, जैसे आज दोनों वक्ताओं ने हमारे किए हैं और बहुत सारी चीजों को दिया है। जब बाबा साहब ने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया था तो उन्होंने बौद्ध, बुद्ध और धर्म को स्वीकार किया और संघ पे प्रश्न किया कि संघ क्यों। इससे पहले भी बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे संघ बने हुए हैं, इस संघ की आवश्यकता क्यों। तो उनकी एक पुस्तक है, उस पुस्तक को आप कभी पढ़ें अगर समय मिले तो, बुद्धायन धर्म। उसमें उन्होंने बहुत ही विस्तार से उन विषयों को रखा है कि संघ की आवश्यकता क्यों, एक और संघ क्यों। इतना ही नहीं, मुझे याद है कि 1955 के बीबीसी में कभी मैंने सुना था एक इंटरव्यू में, उन्होंने सबने महात्मा गांधी को महात्मा शब्द से संबोधित किया था। उस एक पार्टिकुलर इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि मैं गांधी को मिस्टर गांधी कहूंगा, ये महात्मा नहीं। इसके पीछे उन्होंने बहुत सारे तर्क दिए हैं, बहुत समय नहीं लूंगा आज के इस आयोजन के लिए। मैं सर्वप्रथम अपनी बीसी मैडम को, जिनकी प्रेरणा हमेशा रहती है कार्यक्रम में, साथ ही गुरु सचिव महोदय का भी मैं आभार व्यक्त करूंगा। हालांकि इन लोगों का आभार व्यक्त करना मेरे जैसे छोटे व्यक्तित्व के लिए बहुत बड़ी बात है, परंतु एक प्रक्रिया है, उसको पूर्ण तो करना ही है। तो मैं आप दोनों का आभार, साथ ही हमारे जितने भी शिक्षक बंधु, शिक्षकेतर कर्मचारी, हमारे विद्यार्थीगण, शोधार्थीगण एवं मीडियाकर्मी, प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से जिन लोगों का भी सहयोग इस कार्यक्रम में रहा है, उन सबका हृदय से आभार। और अध्यक्ष महोदया के आदेश से मैं इस कार्यक्रम को समाप्त करने की अनुमति चाहूँगा, क्योंकि बहुत काम है, जैसे मैडम कह रखा है। तो सबका बहुत बहुत आभार।